जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो वशीकरण प्रयोग बताने वाला हूँ वो एक पान वशीकरण प्रयोग है कि केवल आपको पान का पत्ता, छोटा सा पान का पत्ता आपको ले लेना है, एक टुकड़ा भी ले सकते हो उसका, और उससे कैसे वशीकरण किया जाए किसी का भी। तो इसी वशीकरण प्रयोग को मैं आपको बताने वाला हूँ। साधना बहुत सरल है और मंत्र भी बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव बहुत ही सटीक है। ठीक है, तो ये मंत्र आपको लगातार 7 दिन तक आपको करना है, केवल 7 दिन तक आपको मंत्र का जाप करना है और केवल 5 माला का आपको ना है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, किसी भी रविवार के दिन या तो भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या नरसिंह भगवान की हो, किसी की भी आप ले लेना, अपने घर में ही एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, शुद्ध ग्रत का दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, आपके गुरु हैं तो गुरु जी का पूजन करें और एक माला गुरु मंत्र का आप जाप जरूर करें। पूर्व दिशा की तरफ मुख आपका होना चाहिए और भगवान नरसिंह को किसी भी चीज़ में प्रसाद के रूप में कुछ भी भोग लगा दें। तो मंत्र जो आपको जाप करना है वो रुद्राक्ष की माला से करना है और वो रुद्राक्ष की माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो ऊपर वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ऐसी माला आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी जो भी राशि होगी वो आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये मंत्र आप जो है 7 दिन तक लगातार आपको 5 माला का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र किस प्रकार से है। मंत्र ध्यान से सुने और मंत्र को मैं वीडियो में ही दे दूंगा, आप वहाँ से नोट भी कर लेना। ठीक है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, हरे पान हरियाले पान, चिकनी सुपारी श्वेत खैर, दाहिने कर चूना मोही ले पान, हाथ में दे हाथ रस ले, ये पेट दे पेट रस ले, श्री नरसिंह वीर थारी शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर महादेव की वाचा। ठीक है, मंत्र इस तरह से है और जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं और आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको अब इसका प्रयोग कैसे करना है। एक पान का पत्ता ले लें और उस पर मंत्र को 21 बार अभिमंत्रित कर लें, उस पान के पत्ते को इस मंत्र से 21 बार मंत्र बोल करके उसको अभिमंत्रित कर लें और अभिमंत्रित करने के बाद वो जो भी स्त्री है या जो भी पुरुष है उसको खिला दें। अब खिलाएं कैसे भाई, किसी भी चीज़ में खिला सकते हो। अगर आप सब्जी रोटी खा रहे हो तो उसमें भी खिला सकते हो, छोटा सा टुकड़ा। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा पान का पत्ता ही खिलाओगे भाई, कि पान का पत्ता ही खाएगा वो पूरा ही, तभी जो है मतलब उस पर असर होगा, ऐसा नहीं है। अब पूरा पत्ता क्यों खाएगा कोई यार, तुम उसको पूरा पान का पत्ता खिलाओगे ऐसे ही तो वो क्यों खाएगा तुम्हारे हाथ का दिया हुआ। आपको उसको धोखे से जैसे भी खिलाना है तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा आप खिला सकते हो बस, और असर छोटे से टुकड़े से भी उतना ही होगा और पूरे पान के पत्ते से भी उतना ही होगा। तो भैया पूरा पान का पत्ता नहीं खिलाना है, छोटा सा टुकड़ा दे देना बस। ठीक है, और वो व्यक्ति या वो स्त्री वो हमेशा सदा सदा के लिए आपके वश में आ जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया पान वशीकरण का प्रयोग है। ज़्यादा बड़ी कोई साधना नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई विधि विधान नहीं है, सिर्फ छोटी सी साधना है और छोटा सा विधान है, लेकिन मंत्र में शक्ति बहुत है, साबर मंत्र है। और एक तरीके से आप मानिए कि 100% नहीं, 101% वर्क करते हैं, ये काम करते हैं 101%, ठीक है। दूसरे मंत्र भले ही विफल हो जाएं या सिद्ध ना हो, लेकिन ये सिद्ध भी होंगे और काम भी करेंगे, ये साबर मंत्र हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।